हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। कोरोना के बढ़ते प्रभाव और लगातार फैल रहे संक्रमण के बीच आगामी 17 अप्रैल को दमोह में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। चुनावी तैयारियों के बीच कोरोना से बचने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। इस बीच निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है और ऐसे मरीजों के लिए मतदान अधिकारी उनके घरों में जाकर वोट डलवाएंगे। मतलब कोविड पॉजिटिव मरीज घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे। वहीं यह व्यवस्था दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी रहेगी। कलेक्टर के मुताबिक चुनाव का नामांकन जमा करने सिर्फ दो व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर पाएंगे, जिसके लिए राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, जो निर्वाचन आयोग के निर्देश रहते हैं उसके अनुक्रम में जो भी हमारे प्रतिबंधात्मक आदेश हैं धारा 144 से संबंधित, वो सभी जारी किए जा चुके हैं। और ज़िले में किसी भी तरीके का बिना अनुमति के रैली जुलूस और ये सब चीज़ें पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा सामग्री वितरण और सामग्री प्राप्त करने का जो केंद्र है वो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज रहेगा, तो वहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएँ की जानी है वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि आपको विदिता की संपत्ति विरूपण की कार्यवाही भी आचार संहिता के दौरान की जानी होती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे यहाँ पर की गई है। इसके अलावा मेरा स्वीप के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक मतदान को करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए और मतदान के प्रतिशत को और अधिक बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही जो निर्वाचन आयोग ने एक विशेष व्यवस्था जो डाक मतपत्र की प्रारंभ की है, जिसमें हमारे जितने दिव्यांग मतदाता हैं, हमारे कोविड पॉजिटिव व्यक्ति हैं और जो 80 वर्ष की उम्र से अधिक के लोग हैं, उनके घर जा कर के मत डालने की पूरी प्रक्रिया की जाना है। तो इसके संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण हो चुके हैं। लगभग हमारे 5,000 के करीब ऐसे मतदाता हमने चिन्हित किए हैं, जिनका अगर वो चाहेंगे तो उनके घर पर वोट डालने की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए भी दलों का प्रशिक्षण हो चुका है। सर, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, पूरी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की कोरोना संबंधी गाइडलाइंस है उनका हम लोग प्रशिक्षण और मतदान के दिन उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उसमें हर मतदान केंद्र पर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए मशीन और मास्क सैनिटाइज़र, इनकी पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। और इसी तरीके से जो निर्वाचन आयोग के नए निर्देश हैं, जिसमें फॉर्म जमा करने के समय भी अधिकतम दो व्यक्ति जा सकते हैं, तो उसके निर्देश के संबंध में भी राजनीतिक दलों को अवगत कराया जा चुका है और वो उससे उसका पालन सुनिश्चित करेंगे। और उसके साथ ही जितनी भी हमारे प्रशिक्षण ये सब हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों का प्रयास है कि हम किस तरीके से सामाजिक दूरी को बनाए रखें और मास्क सैनिटाइज़र का उपयोग करके हम प्रशिक्षण को कार्यवाही संपादित करें। मतदान केंद्रों को सर इस बार बढ़ाया गया है कोविड के चलते? हाँ, कोविड के चलते मतदान केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अब हमारे लगभग 359 मतदान केंद्र हमारे यहाँ पर रहेंगे, और ताकि कम समय लगे मतदाताओं को और जो सामाजिक दूरी का जो आयोग का निर्देश है उसका पालन हो सके। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में पंचकर्म एवं बवासीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार पटेल, MD आयुष, जिला चिकित्सालय दमोह। उपचार सुविधाएं, भगंदर, फिशर, त्वचा रोग, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, मोटापा, थायराइड, बात रोग, गुप्त रोग एवं बवासीर का आयुर्वेद पद्धति से इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर
12 बजे से शाम 7 बजे तक, श्रद्धा मेडिकल, मानस भवन, सरकारी अस्पताल के पास, दमोह, मध्य प्रदेश।